आज हम देखेंगे स्ट्रट सलवार बनाना। ये विदाउट बेल्ट होती है, इसमें ऊपर की तरफ इलास्टिक लगा हुआ होता है और ये सलवार ज्यादातर पाकिस्तान में पहनी जाती है, इसीलिए इसे पाकिस्तानी सलवार भी बोला जाता है। पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसे मियानी के साथ कैसे बनाया जाए वो भी मैंने डिटेल में बताया है, साथ ही में ये सलवार बनाने के कुछ खास टिप्स भी बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं आपको कपड़ा कितना लगेगा। मेरे सलवार की तैयार लंबाई है 40 इंच, उसमें मैंने 2.5 इंच इलास्टिक का और 2.5 इंच मोहरी का मिलाया तो हो गया 45 इंच। 45 इंच का डबल करेंगे तो हो गया 90 इंच, मतलब मैंने यहाँ पर लगभग 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। आप भी इसी मेथड से लंबाई अनुसार कपड़ा ले सकते हो। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 42 इंचेस है और ये लंबाई 2.25 मीटर है। तो सबसे पहले कपड़े को लंबाई में फोल्ड करेंगे। ये हो गया इसका एक फोल्ड। तो पहले लंबाई में फोल्ड किया, अब करेंगे चौड़ाई में फोल्ड। तो यहां से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, ये 4 फोल्ड में कपड़ा हो चुका है। तो ये इसकी खुली साइड है, यहां पर ये 2 फोल्ड रहेगा और यहां पर ये पूरा फोल्ड रहेगा। अब हम सबसे पहले इलास्टिक लेंगे। तो मेरा 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, उसे मैंने इस तरह से रखा, ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ा है और यहां पर हम मार्क करेंगे। जितना चौड़ा इलास्टिक आप लगाना चाहते हो उसी के अनुसार आपको मार्किंग करना है और यहां पर एक लाइन बना देंगे। अब उस लाइन से होते हुए नीचे की तरफ लंबाई का नाप डालेंगे। जैसे कि मेरी सलवार की तैयार लंबाई 40 इंच है तो बराबर से 40 इंच पर मैंने मार्क किया है और वहां पर एक सीधी लाइन बना दी। अब यहां पर हम आसन का मार्किंग करेंगे। तो आसन का मार्किंग होता है हिप साइज अनुसार। जैसा कि मेरा हिप साइज है 42 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 10.5 इंच। 10.5 इंच में 3.5 इंच एक्स्ट्रा का मिलाना है तो मेरा हो गया 14 इंच और मैंने यहाँ पर 14 इंच पर आसन की लंबाई का मार्क किया है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे। सभी साइजेस में आपको 1.5 इंच ही लेना है और ये 1.5 इंच का मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन ऊपर की तरफ मिला दीजिएगा। अब हम यहाँ पर एक गलती करते हैं, यहाँ पर गोलाई देते हुए बस यहाँ से छोटी सी गोलाई देते हैं और बस उसी के ऊपर कटिंग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि छोटी सी गोलाई देने के कारण हमारा कपड़ा आसन में फट जाता है या फिर टाइट हो जाता है या फिर कंफर्टेबल नहीं रहता। तो आपको 3.5 इंच ऊपर मार्क करना है और फिर इस तरीके से गोलाई देनी है। तो अगर आपका हेवी साइज है, बहुत ज्यादा हेवी साइज है, तो आप 4 इंच ऊपर लेके मार्किंग कर सकते हो। अब यहां पर मैं तिरछी लाइन इसलिए बना रही हूं क्योंकि कई लोग मियानी लगाना चाहते हैं। तो अगर आप मियानी लगाना चाहते हो तो बस इस तरह से तिरछी लाइन बना दीजिएगा और बस उसी लाइन के ऊपर से आपको कटिंग करना है अगर आप मियानी लगाना चाहते हो तो। और मियानी आपकी इस तरह से यहां पर लगेगी, यानी कि यहां पर आप तिरछी कली जोड़ सकते हो। तो यहां पर मैं मियानी नहीं लगा रही हूं, इसीलिए जो शेप मैंने दिया है उसी के ऊपर से मैं कटिंग करूंगी। अगर आप मियानी लगाना चाहते हो तो तिरछे लाइन में कटिंग कीजिए, तो बस यही फर्क रहेगा। अब हम यहाँ पर मोहरी का नाप डालेंगे। जैसे कि मेरी तैयार मोहरी 6.5 इंच है तो उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा का लिया है सिलाई मार्जिन का और 7.5 इंच पर मार्किंग किया। तो 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया है, वहां पर टेप को रखेंगे और नीचे मोहरी को मिला देंगे और यहां से तिरछे लाइन बना देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो उसका भी आप शेप दे सकते हो। अब यहां पर देखिए, इस तरह से आपको हाथ को रखना है और जहां पर भी आता है वहां पर एक मार्किंग कर दीजिएगा और यहां से यहां तक शेप दे दीजिएगा। इस तरह से अगर आप शेप देते हो तो आपको शेप पट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। अब देखिए, यहां से हम इसका कटिंग करेंगे और यहां से इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहां पर मैंने ये 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है कैनवास की, जो मैं यहाँ बॉटम में लगाऊंगी। तो इस तरह से मार्किंग में डबल करूंगी, मतलब 2 बार मार्किंग करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डबल मार्किंग किया और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा था उसे मैंने कट कर दिया। अब देखिए, इस तरह से मैं पट्टी यहां पर चिपकाऊंगी और डबल फोल्ड करके यहां पर मैं मोरी बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रखूंगी और फिर से डबल फोल्ड करके यहां पर इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। इसी मार्किंग के ऊपर से हमारा कटिंग होगा, तो बस यहीं से मैं कटिंग करूंगी। अब देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम जो बचा हुआ हमारा मार्किंग है उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। बस जैसा मार्किंग किया है वैसा मैंने कटिंग कर दिया।
यहाँ पर मियानी नहीं लगा रही हूं तो मैं इस शेप से कटिंग करूंगी। अगर आप मियानी लगा रहे हो तो इस शेप से कटिंग कीजिए। तो बस मैं अंदर की शेप से कटिंग करूंगी। अब देखिए, मियानी अगर लगानी हो तो इस कपड़े में से इस तरह से आप मियानी लगाकर यहां पर जोड़ सकते हो, लेकिन तिरछा कट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप मियानी जोड़कर भी इस सलवार को बना सकते हो। अब इस सलवार को मैं खोल दूंगी क्योंकि यहां पर हमारा कटिंग हो चुका है। खोलने के बाद यहां पर ये दोनों साइड में हमारा आसन चला गया है और ये उल्टी साइड है, तो हमें क्या करना है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है इसकी, ठीक है? तो यहां पर देखिए, इसको मैं साइड में रखूंगी नीचे के पार्ट को, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसकी उल्टी साइड, ये उल्टी साइड है तो इसे मैं इस तरह से रखूंगी और उसके ऊपर इसको रखूंगी। ज्यादा कंफ्यूज ना हो मैं फिर से एक बार बता देती हूं। तो यहां पर देखिए, इन दोनों की रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड अंदर की तरफ है, ठीक है? बस इस तरह से आपको रखना है और यहां पर एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है, एकदम किनारे से। तो दोनों साइड में किनारे से सिलाई लगाते हुए मैं आसन को जोड़ दूंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, क्वार्टर इंच से भी कम, मतलब एक दाब से भी थोड़ा सा कम सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब सेम सिलाई हमें दूसरे और के आसन की तरफ भी लगानी है। तो ये हम सिलाई जो लगा रहे हैं ये सीधी साइड में लगा रहे हैं, ठीक? अब बाद में हम उल्टी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, सीधी साइड में हमारी सिलाई लग चुकी है, एकदम बारीक किनारे से सिलाई लगाई है, ठीक? अब मैं इसको इस तरफ लूंगी। तो ये अंदर की तरफ हमारी रॉन्ग साइड थी, अब मैं रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ लूंगी, ठीक है? अब देखिए, ये जो सिलाई है ना, ये सीधी साइड की तरफ हमने लगाई थी और अब उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, दोनों का सेम है, ठीक? अब हम सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड की तरफ। तो अब जो हम सिलाई लगाएंगे यहां पर, तो ये हम बराबर से एक दाब की सिलाई लगाते हुए लगाएंगे। तो ये फिर से दिखाती हूं, ये देखिए, सीधी साइड की तरफ एकदम किनारे से सिलाई लगाई है और अब हम ऊपर की तरफ से, मतलब उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो पहले नाखून से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, सिलाई लगाने में आसानी होगी। और अब ये सिलाई लगाते टाइम क्वार्टर इंच से थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा का पकड़िएगा। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इस और के आसन की सिलाई भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर जो है आपके धागे नहीं निकलेंगे, आसन की और सिलाई जो हम नॉर्मली लगाते हैं उसके धागे नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड सिलाई हो चुकी है। तो बस सेम तरीके से मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है, दोनों आसन की सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे सेंटर में यहां पर पकड़ेंगे, ठीक? और इस तरह से इसको रख देंगे, जबकि हमारी उल्टी साइड अभी ऊपर की तरफ ही है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने रख दिया। अब यहां पर आप देख सकते हो, सीधी साइड में सिलाई बिल्कुल क्लीन नजर आएगी और उल्टी साइड में भी आपके धागे नहीं निकलेंगे, ठीक? अब हम यहाँ ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाएंगे। तो जो लाइन हमने खींची थी इलास्टिक की, वही बस मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड की है और उसी लाइन के ऊपर हमें इसे फोल्ड करना है। आप चाहो तो यहाँ पर नाखून से प्रेस करो या फिर इस्त्री करके लो, ताकि आपकी जो आपका जो फोल्ड है वो सही से बना रहे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें आगे की तरफ, मतलब यहाँ पर एकदम बारीक फोल्ड करना है, क्वार्टर इंच का ही फोल्ड करना है। भले ही हमने आधा इंच फोल्ड के लिए छोड़ा था, लेकिन क्वार्टर इंच ही फोल्ड करना है। और यहाँ पर हम पिंस लगा कर लेंगे, इससे क्या होगा, इलास्टिक अंदर की तरफ इजीली चला जाएगा। तो इस तरीके से बस पूरी गोलाई में मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी। इस तरह से क्वार्टर इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें पिंस लगा कर लेने हैं। पूरे राउंड में मैंने यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं। अब बस इसी के ऊपर हम पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे, बस 3 से 4 इंच खुला छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मशीन के ऊपर हम आ गए हैं और जैसा मैंने बताया था, क्वार्टर इंच फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगानी है, ताकि इसके अंदर हम इलास्टिक डाल सके। तो मैंने यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा दी है पूरे राउंड में, बस ये 4 इंच खुला छोड़ा है।
तो यहाँ पर राउंड में सिलाई लगने के बाद इस तरह से इतना ओपन रखा है ताकि हम इलास्टिक अंदर की तरफ डाल सके। अब आपको कमर का नाप लेना है, जैसे कि मेरी कमर 33 इंच है, तो 3 इंच मैंने आगे की तरफ छोड़ा है और यहाँ पर इलास्टिक नापा है, तो ये देखिए यहां तक ये 33 इंच है। ठीक है, मतलब जितनी भी कमर है उससे 3 इंच इलास्टिक कम रखिएगा। और सेफ्टी पिन की मदद से इस इलास्टिक को मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी, जिस तरह से आप सलवार में नाड़ा डालते हो। तो इलास्टिक मैंने डाल दिया है, अब इस इलास्टिक को हमें यहां पर बंद करना है, मतलब आगे पीछे करके सिलाई लगानी है। तो बस मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रखा है, लगभग आधा इंच आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखो और आगे पीछे करके रिवर्स स्टिच लगाते हुए इसको बंद कर दो। अब इलास्टिक को आप पूरी तरह से अंदर डाल दो और यहां से जो खुला छोड़ा था उसे भी हम यहां पर सिल कर लेंगे। तो ये सिलते टाइम क्वार्टर इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए, इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगाते हुए आपको सिलाई लगाना। अब इसको 4 से 5 बार इस तरह से खींचो ताकि एकदम इवनली प्लीट्स बन जाए और फिर आपको यहां पर बीच में सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते टाइम आपको पूरी तरह से खींचना है इलास्टिक को, पूरा पूरी पट्टी प्लेन होनी चाहिए और फिर बीच में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो इलास्टिक बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठ गया है। अब हम इसके नीचे की तरफ मोरी बनाएंगे। तो मोरी के लिए मैंने 1.25 इंच हाइट वाला फ्यूजिंग पेपर कट किया है और इसे मैंने इस्त्री करके लिया। इस्त्री करने के बाद यह कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपक गया है, फिर मैंने इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया। इस तरीके से डबल फोल्ड करने से आपका फ्यूजिंग पेपर इस तरफ नहीं दिखेगा। कई बार थिन कपड़ा होता है, कॉटन का होता है, तो फ्यूजिंग पेपर नजर आता है। तो इस तरीके से आप डबल फोल्ड करोगे तो आपका फ्यूजिंग पेपर सीधी साइड में नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर बस सीधी सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर कोई अच्छा सा डिजाइन भी बना सकते हो। तो बस मैं 4 सिलाइयां लगाऊंगी, एक के नीचे एक। इस तरह से मैंने बस सीधी सिलाइयां लगाकर मेरी मोरी को मैंने रेडी किया है। तो ये हो गया है, दोनों तरफ की मोरी यानी पोछा मैंने रेडी कर दिया है। अब यहां पर हमने तैयार पोछा मेरा यानी मोरी 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दिया है। और यहां पर फिटिंग की सिलाई कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पर आसन तक हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन आसन के और आते आते बस आधा इंच का ही मार्जिन होना चाहिए और यहाँ पर 1 इंच का। तो बस इस तरह से तिरछी सिलाई लगाते हुए आसन तक आएंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और यहां पर भी हमें सिलाई लगानी है, तो सेम तरीके से नीचे की तरफ हमारा 1 इंच का मार्जिन है और आसन की तरफ आधे इंच का, और इस तरह से तिरछे में सिलाई लगेगी। तो ये सिलाई कैसे लगानी है वो भी देखेंगे। तो पहले हम यहां से शुरू करेंगे। तो बॉटम की यानी मोरी की तरफ से मैंने सिलाई को शुरू किया है और जैसे मैंने बताया है सिलाई मार्जिन को कम करते हुए हम जब आसन की तरफ आते हैं तो बस आधा इंच का ही मार्जिन आना चाहिए। तो यहां पर मैंने आधा इंच का मार्जिन ही पकड़ा है और यहां पर आके मैंने सिलाई को लॉक किया है। अब बस यहीं पे धागे को तोड़ देंगे और अब यहां से सिलाई को शुरू करेंगे। यहां पर वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि यहां पर मैं जरूरी टिप बताने जा रही हूं। तो बस बॉटम से शुरू करना है और आसन तक लेके जाना है, यहां पर सिलाई को लॉक करना ना भूले। यहां पर जरूरी टिप ये है कि सिलाई को हमें तोड़ना है क्योंकि ये कपड़ा तिरछे में होता है, तो बस इसे हल्का हल्का खींच कर इस सिलाई को तोड़ दे। अच्छा है कि ये बाद में निकल जाए सिलाई, हम अभी इसे निकालेंगे और फिर से एक बार पक्की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से आपकी सिलाई कभी नहीं निकलेगी। तो बस हमारी सलवार यहाँ पर रेडी है और ये रहा इसका लुक, बिल्कुल स्ट्रेट सलवार है और आजकल इसका काफी फैशन चल रहा है और ये पहनने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो जैसे मैंने बताया इसके बीच में आप कली जोड़कर यानी मियानी जोड़कर भी इसे पहन सकते हो। तो कैसा लगा ये आज का ट्यूटोरियल मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।